नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सभी जानते हैं सफ़ेद बालों में कुदरती रंग कैसे भरना है। जिन उपटनों की बात हम आपको बता रहे हैं ये आपके बालों को एक केमिकल डाई या कलर की तरह काला तो नहीं करेंगे लेकिन बालों को कुदरती रंग देंगे, और जिन कारणों से यह सफ़ेद और डैमेज हो रहे हैं उन कारणों को नष्ट कर देंगे। ऐसा तेल जो आप घर पर भी बना सकते हैं, 50 ml आपको नारियल तेल चाहिए होगा इसके लिए, और 50 ml अदरक का तेल और 50 ml जैतून का तेल चाहिए होगा। अब इन तीनों को लेकर के मिक्स कर लेना है और हल्का सा गर्म कर लेना है। कढ़ाही में 10 ग्राम सरसों तेल, 20 ग्राम करी पत्ता, 20 ग्राम सूखा आंवला और 20 पत्तियां मेहंदी की, इन्हें तब तक पकाएं जब तक यह सूख ना जाए। इन्हें सब तेलों के साथ मिक्स कर लें और फिर 10 मिनट पकाएं। ठंडा होने पर कांच की शीशी में भरकर रख लें। एयर टाइट ढक्कन लगाकर 4 दिन इसे सीधे सूरज की किरणों के सामने रख दें। 4 दिन बाद यह औषधि अपना सारा गुण तेल में मिला देती है। अब इस तेल को छान लें और अपने सिर पर एवं बालों पर हफ्ते में 3 बार मसाज करें। यह तेल बालों को काले करने में मदद करता है। मसाज करते हुए ध्यान रखें कि तेल को अच्छे ढंग से सर में मालिश करें उंगलियों की सहायता से। अब मेहंदी का पेस्ट बनाकर सिर पर 2 या 2.5 घंटे लगाने से बालों में बहुत अच्छी रंगत आती है और बाल मुलायम एवं घने होते हैं। मेहंदी के बाद सिर को धोकर 100 ग्राम पीसा हुआ आंवला पाउडर गर्म पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और 45 मिनट बालों पर लगाकर छोड़ दें। आपको आश्चर्य होगा कि आपके ग्रे एवं सफ़ेद बाल एकदम काले होने लगे हैं। इस पेस्ट को हफ्ते में 1 दिन ज़रूर लगाएं। लगाने से पहले बालों को हर्बल शैम्पू से धोएं और बालों को सुखा डालें। बालों को दें रेडिश एवं ब्राउन रंग। अपने बालों को कलर करने के लिए हम आपको जो बता रहे हैं इन घटकों को मिक्स कीजिए और अप्लाई कीजिए। मेहंदी की पत्तियां 50 ग्राम, एलोवेरा पल्प 20 ग्राम, हरित की 50 ग्राम, आंवला पाउडर 20 ग्राम, सबका चूर्ण बना लें और पेस्ट बना लें। इसमें आधा नींबू का रस मिलाएं और बालों में लगाएं, लेकिन पेस्ट लगाने से पहले 10 ml जैतून तेल को बालों में लगाएं। अब 1.5-2 घंटे इस लेप को लगाए रखने के बाद बालों को धो लें। आपके बाल रेडिश एवं ब्राउन हो जाएंगे। ऑलिव ऑयल है बेहतर। 20 ml गर्म ऑलिव ऑयल से बालों एवं सिर की त्वचा की मसाज करें। मसाज हमेशा उंगलियों के पोरों से एवं हल्के हल्के करनी चाहिए। 10 मिनट मसाज करें और 5 से 6 घंटे बाद अगले दिन शिकाकाई पाउडर, आंवला पाउडर, रीठा पाउडर 1-1 चम्मच सबको मिला करके गर्म पानी में मिक्स कर लीजिए। पानी से सिर को साफ कीजिए। यह हर्बल शैम्पू का काम करता है। इससे बाल लंबे घने काले होंगे एवं झड़ने बंद हो जाएंगे। कुछ लोगों को शिकाकाई सूट नहीं करती तो वह इसको हटा सकते हैं इसमें से। इसके अलावा तुरंत नेचुरल बर्गेंडी कलर पाने के लिए मेहंदी की पत्तियां 100 ग्राम, चुकंदर 1 छोटा सा, एलोवेरा पल्प 100 ml और मुल्तानी मिट्टी का चूर्ण 2 चम्मच। चुकंदर, मेहंदी के पत्तों और एलोवेरा को पीसकर पेस्ट बना लें। अब मुल्तानी मिट्टी को इसमें मिलाएं, बालों पर अप्लाई करें एवं 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके पश्चात बालों को धो लें। बालों में नेचुरल बर्गंडी कलर आ जाएगा और आप देखेंगे कि आपके बाल सुनहरे लगने लगेंगे। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए बालों को हेल्दी और नेचुरल कलर बनाए रखने के लिए और झड़ने से रोकने के लिए औषधियाँ थी हैं। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।